हेलो टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले एक बच्चों एक मिसिंग सीरीज मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। 2013, 2016 और फिर आया 2019। बच्चों ये इयर्स हैं जब LIC AAO का वैकेंसी निकलता है, मतलब हर 3 साल में LIC AAO वैकेंसीज लेकर आता है और इस साल भी यही हुआ है। LIC AAO वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। ये स्टूडेंट्स कल आप सबने देखा होगा bankazada.com पे @24/7 यूट्यूब चैनल पे कि हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कराया अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अ टोटल ऑफ 590 वैकेंसीज, जो कि ऑब्वियसली जिसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, IT वालों के लिए भी है, CA वालों के लिए भी है और जो एक्चुअरियल साइंस करते हैं जो कि इंश्योरेंस में ही एक हाई लेवल और एक बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स होता है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं और फिर राजभाषा अधिकारी वालों के लिए भी वैकेंसीज है। मतलब कुल मिला के AAO में 590 वैकेंसीज निकली हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसी में क्या क्या है। जर्नलिस्ट में है 350 पोस्ट, IT में है 150 पोस्ट, देन CA में 50, एक्चुअरियल में 30 एंड राजभाषा में 10 पोस्ट। अब अगर हम इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करें तो यार ये तो मान के चलो कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो एक अजम्पशन ले लो कि पेपर पैटर्न में 2 पार्ट्स होंगे। क्या पार्ट है? एक है प्रीलिम्स, तो इसमें भी प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है मेंस के साथ ही। तो जो टेंटेटिव डेट अभी हमारे सामने आई है वो आई है कि मई में, फोर्थ और फिफ्थ मई में, और 28 जून को होगा इसका मेंस और 4th और 5th मई को होगा इसका प्री। मतलब मई और जून आपका ये करेंगे, जुलाई अगस्त आपके सामने बैंक के एग्जाम्स होंगे और फिर अगस्त से तो फिर लगातार IBPS ने पूरा कैप्चर करा हुआ है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन होगा सर नोटिफिकेशन आ चुका है? हाँ भाई आ चुका है। क्या अप्लाई करना शुरू हो चुका है? यस, 2nd मार्च से जो है एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है बच्चों वो है 22nd मार्च, मतलब 20 दिन के लिए जो है ये विंडो ओपन करा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले होगा प्रीलिम्स जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, फिर होगा मेंस जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में है, ठीक है। ऑब्वियसली अब जो एग्जामिनेशन है सबको बताए तो दिस विल बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 21 से लेकर 30 की एज लिमिट है, 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, ठीक है। ये तो बेसिक पॉइंट्स है, सबको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट है या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि जर्नलिस्ट की निकली है, जर्नलिस्ट के लिए इट नीड्स ओनली अ ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। AAO IT में या तो BTech हो कंप्यूटर साइंस में या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या MCA और MSc, ठीक है। तो BTech CS, BTech IT, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA और MSc कंप्यूटर साइंस AAO की फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन वी हैव AAO CA, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंसी नीडेड होगा, देन एक्चुअरियल, ये एडवांस कोर्सेज आपके सामने ये आ गए हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में तो बच्चों जैसे ऑलरेडी हमने बता चुके हैं आपको कि जो इसमें प्रीलिम्स में रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है। सर ये तो IBPS जैसे कि हाँ भाई 20-20 मिनट है। जो इसमें मेजर चेंज है वो मेजर चेंज ये कि भाई जो इंग्लिश है, इंग्लिश में इसने दिया हुआ है इट विल बी ओनली ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इंग्लिश में तुम्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है और जो तुम्हारा स्कोर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक है। तभी यहाँ पे 70 मार्क्स दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मतलब अगर प्रीलिम्स की कट ऑफ जो निकल के आएगी वो 70 में से निकल के आएगी। और फिर मेंस होगा, मेंस में रीजनिंग है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और फिर है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। आप देख सकते हो मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज है ही नहीं, पता नहीं इंग्लिश या तो LIC ज्यादा प्रेफर नहीं करता इंग्लिश, बट सेकेंड स्टेज में फिर आपका उसी स्टेज में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे और ये भी अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और आप देख सकते हो बच्चों इसमें सेक्शन वाइज टाइमिंग है, ठीक है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स, 40 मिनट्स का टाइमिंग, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइमिंग, DI में 30 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स, 40 मिनट्स का टाइमिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसमें देख रहे हो बच्चों
जनरल नॉलेज करंट अफेयर अलग है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस अलग है. मतलब इसमें तो मेंस में जर्नलिस्ट में बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 20 मिनट्स का टाइम आपके पास होगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. इसके अलावा देन मेंस का ऑब्वियसली जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग है. आप देख सकते हो रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, इंश्योरेंस नॉलेज आएगा, वहां पे डीआई की जगह प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा. और फिर डब्ल्यू राजभाषा में भी सेम है, डीआई की जगह प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सब में है, इसमें इंग्लिश में होगा और राजभाषा अधिकारी में हिंदी में होगा. ठीक है बच्चों, बताओ ये सबको क्लियर हो गया. अब बाय चांस हो सकता है सर अभी हमें कुछ डाउट्स है, तो डाउट्स के लिए मैं क्या करना है, तो यार ये मेरी मेल आईडी है gopal.anand@adda247.com. या तो मुझे इस पर मेल लिख दो कि सर ये क्वेरी है, कैसे इसको सॉल्व करें, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी. और इसके अलावा जो तुम्हारा सोर्स होना चाहिए टू स्टडी bankersadda.com, फ्री कंटेंट मिलेगा आपको bankersadda.com. डर मत जाना सर, ये तो बैंक के लिए नहीं भैया, बैंक और इंश्योरेंस दोनों के लिए है. और अड्डा 247 यूट्यूब चैनल तो है और ऐप भी है, YT भी है और ऐप भी है. ठीक है बच्चों, ठीक है. अब प्रीलिम्स है, मेंस है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है. तो इन सब के लिए स्पेशली जो बच्चे जा रहे हैं इस जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए पैकेजेस, फ्री कंटेंट मैंने आपको बता दिया, पेड पैकेजेस हमने सबके लिए लाइव करे, जर्नलिस्ट आईटी के लिए कर दिए हैं. हम लोगों ने बच्चों एक लेकर आए हैं प्राइम ऑफर फॉर LIC AAO और जो कि है मेन फोकस जर्नलिस्ट करके, मतलब जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए. इसका प्राइम हम लेकर आए हैं जिसकी इनॉग्रल प्राइस है सिर्फ 699. अब इसमें ध्यान रखना है जो 699 है या जो पैकेज है इसमें आपका प्री भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी कवर होगा, इंश्योरेंस नॉलेज एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कवर होगा और अगर आगे इंटरव्यू होता है तो वो भी कवर होगा. मतलब इन सब की आपको ई बुक्स दी जाएंगी. क्या क्या है इसमें चलिए डिस्कस करते हैं. तो मुझे इसमें कुल मिला के 75 से ज्यादा आपको टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 15 होंगे प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक, 15 होंगे सेक्शन वाइज टेस्ट प्रीलिम्स लेवल, देन मेंस में 10 होंगे फुल लेंथ के मॉक्स और 15 होंगे सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट्स. फिर ई बुक होगी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नॉलेज की, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, इसके अलावा इंटरव्यू की ई बुक. ठीक है, देन फिर ऑल्सो इंक्लूड्स टू प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल, LIC AAO जैसे मैंने अभी बताया था आपको 3-3 साल में 13-16 में हुआ, इसका आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया जाएगा. और इसके अलावा आपको दिया जाएगा 20 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट फॉर रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश लैंग्वेज. तो एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है जो कि अवेलेबल है कहाँ पे, store.adda247.com में. यह लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर. एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या है कि ऐप और वेब दोनों पे दे सकते हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है, बाय मंथली करंट अफेयर्स है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस और एनालिसिस है. तो ये है LIC AAO जर्नलिस्ट का प्राइम पैकेज और ये है LIC AAO का नोटिफिकेशन 2013, 2016 और 2019 में आ चुका है. 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक है और मई और जून में इसके पेपर्स है. कोई दिक्कत हो बच्चों तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, दिस इज माई मेल आईडी gopal.anand@adda247.com. मुझे मेल करो, कोई डाउट है बैंक अड्डा पे फॉलो करो फॉर फ्री कॉन्टेंट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.